गरीब का मजाक। एस थाउजेंड आर 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 आर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अजय एंड यू आर वाचिंग लीन ऑन व्हील्स। तो भाई ये है सेकंड पार्ट प्रीवियस वीडियो का जो मैंने अपलोड की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट वीडियो। एंड यहाँ पे हमें दीपक और आयुष ने ज्वाइन कर लिया है और हम जा रहे हैं मोटो ब्रश इवेंट पे जो कि दी मोटोग्राफर ने ऑर्गेनाइज़ किया है। एंड भाई इन दिस वीडियो राइड पर है हमारे साथ एक RC 200 न्यू जनरेशन और दो R5 वर्जन 3 और एक अपनी R5M वर्जन 4। तो भाई लेट हो गए हम, हमें 6 बजे पहुंचना था गुड़गांव जो गैदरिंग पॉइंट था वहां पे। भाई V3 के टायर देखो स्पीड में ऐसे लग रहे हैं जैसे ट्रैक टायर नहीं डाल रखे V3 के अंदर। ये जो मिट्टी देख रहे हो रोड पे दिख रही होगी वीडियो में, ये इसी स्पीड पे ऐसे चुभ रही है ना बॉडी के अंदर जैसे कि कोई नीडल्स चुभा रहा हो बॉडी के अंदर। ये आगे निकालनी पड़ेगी उस ट्रक से। अरे कहाँ रह गए भाई वो तो दिख ही नहीं रहे, बिल्कुल ही पीछे रह गए। राहुल की बाइक की बहुत किलर लुक आ रही है वाइट वाले होने के बाद, फुल इंडोनेशियन वाइब दे रही है। मतलब एंड गाइस यहाँ पे मैं सिंगल हैंड इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि जो मेरे लेफ्ट हैंड है उसकी पाम में काफ़ी ज़्यादा मतलब पेन हो गया है जब से मैंने RCB की ये ग्रिप्स लगाई है ना, ये इतनी कंफर्टेबल नहीं है। इससे बेटर तो स्टॉक ही। एंड सेकेंडली भाई मैं अपने ग्लव्स भी करीब भूल गया क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे निकलने में। तो ये था एक छोटा सा फ्लाई बाय और अगर राहुल की बाइक पे भी यहाँ पे कैमरा लगा होता तो बहुत बढ़िया सीन रिकॉर्ड होता। तो भाई गुड़गांव गैदरिंग पॉइंट से लेके थ्रोटल शोटल तक हम XBHP और काफ़ी सारे राइडर के साथ राइड करने वाले हैं। इवेंट की जो वेन्यू लोकेशन है वो थ्रोटल शोटल है और भाई इस इवेंट में फोटो एग्जीबिशन देखने को मिलेंगे अपने को और एयर ब्रश पेंट वर्कशॉप मोटो आर्ट क्विज़ काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इस इवेंट में देखने को मिलेगी। सच में भाई बिना ग्लव्स के तो भाई मतलब इन ग्रिप्स पे ना चलाना काफ़ी मुश्किल है। दूसरा भाई अपनी R5 जो है वो लोड भी हो रखी है तो अपनी जो हैंडलिंग पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है कंपेयर देन स्टॉक। भाई RC 200 की साइड लुक कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ और ये भी बताना भाई कितने लोगों को पुरानी वाली RC 200 अच्छी लगती है और कितने को ये नई वाली।
तो पर्सनली भाई मेरे को तो पुरानी वाली की लुक ज़्यादा बेटर लगती है, बिल्कुल मतलब ट्रैक्स पैक लगती है भाई। R15 M की TFT की जो फील है ना, जो ये RPM लाइट जलती है यार, मेन इसी रीज़न से मैंने R15 M ली थी। वरना भाई मतलब मैं V4 में मेरे को ये कलर पसंद नहीं है सिल्वर, बट एक TFT की वजह से मैंने ये ली थी, क्योंकि इसकी जो फीलिंग है ना सुपर बाइक वाली। तो भाई यहाँ पे मुझे फील हुआ कि बाइक में शीशे होना बहुत ज़रूरी है। मैंने मतलब एकदम से लेफ्ट ले ली, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये लोग रुक जाएंगे। भाई ये जो हाईवे है एम्बियंस मॉल वाला, यहाँ पे मतलब बहुत सारी मल्टीपल लेन्स आ जाती है, देख रहे होंगे कितना चौड़ा हो गया। भाई ये था अपना मीटअप पॉइंट, एंड देख सकते हो कितने सारे राइडर आए हैं। दीपक को शर्म आ रही है भाई, बाइक चला ही नहीं रहा है, आगे ले ही नहीं रहा है देखो। और देखो बाइक बिल्कुल सारे राइडर से हटके लगाई है, मतलब एक अलग ही उसमें, इतने शर्मीले हुए। तो वहीं यहाँ से अपनी मोटो ब्रश इवेंट राइड स्टार्ट हो गई है थोड़े होटल कैफे तक। एंड हमें ऐसी लाइनअप फॉलो करते हुए चलना है, बड़ा बोरिंग सा लगता है भाई ऐसे मतलब लाइनअप में धीरे धीरे 40-50 की स्पीड में चलाते रहना, बट कोई नहीं मतलब हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो आज लाइनअप में चलेंगे, और ये आ गया है राहुल, और इसके जस्ट पीछे आयुष है RC 200। अब हम आ गए हैं थ्रोटल शोटल वाले मतलब अरावली हिल्स वाले हाईवे पे, जो अपना मेन रोड है अरावली हिल्स का। तो देखो बराबर में चल रही है डोमिनार, आगे चल रहा है राहुल, और उसके बराबर में चल रहा है आयुष, और ये डोमिनार वाले ने खींची, फिर ये अपने भाई दीपक ने खींची, और ये देखो भाई फिर मतलब बंदे दो लाइन चला के नहीं चल रहे, खुद रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे, कोई कैसे चल रहा है कोई कैसे चल रहा है, और हम भाई रूल फॉलो कर रहे हैं। और ये देखो RC 200 रैप कराई हुई है, ये आ गई भाई NS फुल हैवी वाले क्रैश गार्ड। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार, निकालूंगा, बहुत लाइन अप कर लिया मैंने, कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ये भाई ऊपर से हाथ उठा रहे हैं, यो यो यो, इन्हें लग रहा है फोटो खींच रही है। ये गई भाई XPSP की मिनी कूपर, लेफ्ट साइड से जो धूप की जो शेड आ रही है मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लग रही है, इफेक्ट सा लग रहा है कि जैसे कोई ग्लीच डाल रखा है, बट नेचुरल है भाई, नेचर का इफेक्ट है। ये भाई रूल फॉलो नहीं कर रहे, कुछ रूल अलग ही चलेगा। तो भाई हम पहुंच गए हैं थोटा शोटल मोटो कैफे, और आज इतने सारे राइडर्स मतलब आए हैं कि भाई एंट्री लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये रहे दी मोटोग्राफर मिस्टर संदीप जी, जो कि स्नैप बना रहे हैं या स्टोरी बना रहे हैं हमारी। और भाई मतलब बहुत ज़्यादा राइडर आए हैं, बहुत ज़्यादा।
तो भाई राहुल को तो मिल गई जगह और इसने तो भाई कर दिया पार्क सही से अलग ही। अब देखते हैं हमारे लिए कहीं जगह, ये तो यहाँ तो रास्ता है, यहाँ नहीं लगा सकते, यहीं लगानी पड़ेगी बीच में। Everybody's just got